सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। तो जैसे आप लोग पता है कि हमारा एक और चैलेंज आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। आप लोग ही कमेंट मेरे को क्यों और पता नहीं इतना चैलेंज हार्ड क्यों करते हो कमेंट। तो आज हमारा होने वाला है 9 गन चैलेंज जो कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। भाई जिसको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोग पता ही है कि क्लैश स्क्वाड में हमारा भाई विदाउट गन खेलने में बहुत ज्यादा मुश्किल तो होता ही है। एंड मैं यहाँ पे खेलने वाला हूँ विदाउट गन भाई, मतलब गन के अलावा जो भी आ जाए। मीन्स भाई हमारा ग्रेनेड हो गया, फ्लैश हो गया एंड फिस्ट हो गया, तो ये मैं 3 यूज करने वाला हूँ। उसके लिए मैं कैरेक्टर भी रख लिया एंड मैच तो स्टार्ट करने वाला हूँ। भाई दोस्तों, उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना याद से दोस्तों। तो मैं यहाँ पे मैच स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अब मैच तो हमारा स्टार्ट होता है लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो जाता है। मैंने कैरेक्टर रखना भूल गया और मेरे पास कोई सा कैरेक्टर नहीं है, ग्रेनेड का ना ही फिस्ट है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे देखो बंदे हैं यहाँ पे एक दिखाता मेरे को और अचानक से भाई तीनों प्लेयर डाउन हो गया। तो डाउन होने के बाद मेरे को दिखा भाई मैंने ही तीनों को डाउन किया था। तो फटाफट किल फिनिश लेने का चक्कर में देखो यहाँ पे क्या होता है। भाई एक बंदा डाउन एंड फिनिश भी हो गया एंड एक रिवाइव हो गया था जिसको मैं गया मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके पास साइज था एंड वो मेरे को डाउन कर दिया। एंड लिटरली भाई ये मेरा एज था, अगर यहाँ पे मैं नहीं मरता और मेरा फ्रेंड यहाँ पे अच्छा खासा मार के और ये राउंड तो निकाल लेता है। अब इस वाले राउंड में हमें पता चल जाने वाला है कि फिस्ट का ना रहते हुए कितना ही ज्यादा गलत सीन होता है। मेरे पास कोई सा गन नहीं है एंड मैं गन चलाना भी नहीं चाहता हूँ। एंड को इसको हेड मारना चाहे लेकिन नहीं लगा और अचानक मेरे को देख लिया बंदा। एंड देखते हुए एक भी डैमेज बंदे को नहीं दे पाया जिसे मेरे को तो यहाँ पे मार दिया। राउंड भी हम हार जाते हैं। एंड देखते थे हमारा यहाँ पे 2 रन हो जाते हैं। सामने प्लेयर का एक ही है, मैं रैंडमली सामने जाता हूँ कि मैं दूर से ग्रेनेड नहीं फेंक पाऊंगा, वही सोच के मैं सामने था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत सीन होता है, मेरे को काफी डैमेज दे दिया। डैमेज तो दिया लेकिन मैं फिर भी ग्रेनेड करता हूँ एंड यहाँ पे देखो क्या होता है। ग्रेनेड करने वाला डैमेज लगता है बंदे को जो कि एक ही बार फिस्ट मारने के बाद ये डाउन हुए थे। फटाफट इसको फिनिश लेता हूँ क्योंकि बहुत यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। 2 प्लेयर बाकी रह गया था तो मैं इसको मार के फिर सामने निकलता हूँ। अब इस पे तो रश करने आ ही रहा था लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा ही सीन हो जाता है, मेरे पे रश करके एंड मेरे को डाउन कर देता है। डाउन करने के बाद ये प्लेयर जाके अपना फ्रेंड को बचा रहा था जिसके कारण मेरा फ्रेंड आके फटाफट इसको डाउन कर दिया एंड ये प्लेयर तो मेरे को फिनिश कर दिया और मेरा दोनों फ्रेंड आके इसको बहुत ही गलत तरीके से मार के हमारा राउंड निकल जाता है। अब ये वाला राउंड हमारे लिए फाइनल राउंड होने वाला है जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। तो उधर वाले 2 प्लेयर डाउन जाने के बाद मेरे को लगता है भाई अब रश करना चाहिए एंड गिरने कर रहा था लेकिन पीछे से बंदा मेरे को डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद हमारे यहाँ पे 3 प्लेयर बाकी रह जाता है, इधर 2 प्लेयर। तो भाई बोया लेने का थोड़ा सा चांस बढ़ गया था। अब बोया लेना इतना आसान भी नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो एक को डाउन किया लेकिन इसको काफी हेल्थ कम कर दिया था एंड इसको फिनिश करने के बाद ये जाता रश करने के लिए मेरा फ्रेंड। एंड हाँ ये रैंडमली ही था, मतलब सारे फ्रेंड मेरा रैंडम ही है इसमें, तो इधर तो बंदे नहीं है। और जैसे कि ये रश करने गया उससे पहले मेरा फ्रेंड दूसरे फ्रेंड ने मार दिया। फाइनली ये वाला मैच हमारा बोया हो जाता है एंड यहाँ पे जो माइनस हुआ था अभी पिछले गेम में माइनस हो गया था, इसके कारण यहाँ पे 20 का फिर से स्टार हमारा हो जाता है। अब मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि भाई करेक्टर ना रखो, तो भाई जल्दी से मैं करेक्टर रख लेता हूँ एंड मैच स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई बिना करेक्टर खेल के मैंने देख लिया कितना ही ज्यादा गलत सिचुएशन होता है। तो करेक्टर रख लिया, अब स्टार्ट हो जाता है मेरा मैच। अब मैच तो स्टार्ट होता है, मेरे पास ग्रेनेड है, फर्स्ट राउंड में भाई कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले प्लेयर के पास अच्छा गन नहीं होता है। वही सोच के यहाँ पे देखो अचानक से होमवर्क चार्ज किया एंड भाई एक प्लेयर को मैंने ले लिया। अब डाउन तो कर दिया, फटाफट मेरे पास फिस्ट का भी स्किन है तो फटाफट इसको किल फिनिश करके फिर सामने निकलता हूँ जो कि यहाँ पे एक प्लेयर और डाउन एंड फिनिश हो गया था। बस 2 ही प्लेयर बाकी रह गया था जो सामने था एंड मेरा फ्रेंड को वो डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे 2 प्लेयर बाकी रहता जो कि देखो अचानक से एक को हेड मारा है, हेड तो मार दिया भाई लेकिन ये प्लेयर काफी हम लोग को परेशान कर रहा था, मतलब कि ओरियन चार्ज हो रहा था जिसके मेरा फ्रेंड एक डाउन हो गया एंड फिर से ये रिस्टार्ट हो गया भाई इसका ओरियन। तो बहुत ही यहाँ पे गलत सीन होने वाला, देखो मेरे को डाउन कर दिया एंड फाइनली ये राउंड तो निकल जाता है, बहुत ही मुश्किल था। अब हमारे इस वाले राउंड में जो कि यहाँ पे देखो मैंने होमवर्क चार्ज किया एंड एक प्लेयर पे लगने वाला है, लगा वहाँ पे और मेरे को लगा ये बंदा छुपा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ग्रेनेड करता हूँ, डैमेज कम लगता है मेरे को लगता है क्यों, और अचानक वो ऑफलाइन होता है, इसको मारने जाता हूँ लेकिन भाई मेरे को काफी डैमेज देता है, इसको तो मार देता हूँ, डाउन कर दिया। एंड यहाँ पे मैं अपना हेल्थ फुल करने लगता हूँ लेकिन मेरे को ये नहीं पता था इधर भी बंदे हैं, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे वेट करने लगता हूँ। और सामने प्लेयर था जो कि मेरा फ्रेंड रश किया, मेरा फ्रेंड को डाउन कर दिया लेकिन यहाँ पे मेरा फिस्ट का स्किन था जो कि एक ही बार मार तो उसको डाउन कर दिया। एंड डाउन करने के बाद यहाँ पे मेरा 2 फ्रेंड मर गया था तो इसको मैं बचा लेता हूँ। एंड देखो सामने प्लेयर था जिसके पास AWM है और मेरे पास बहुत ही कम हेल्थ है, तो अपना फ्रेंड को बचा के फिर इस पे रश किया एंड काफी डैमेज दिया। बट भाई इसके पास देखो AWM है जो कि यहाँ पे वो तो मेरे को शॉट नहीं दे पा रहा है एंड मैं भी यहाँ पे उसको नहीं मार पाऊँ जिसके कारण देखो उसको तो मतलब मेरा फ्रेंड ने उसको डाउन कर दिया एक प्लेयर को, बस लास्ट प्लेयर बाकी रहता है जो कि मेरा फ्रेंड रश कर रहा है। अब देखना ओपी यहाँ पे फाइनली उसको मार दिया और यहाँ पे 2-1 का सिचुएशन हो जाता है। अब हमारा इस वाले राउंड में जो कि मेरे पास एक ग्रेनेड है, सामने प्लेयर देखो ड्रॉप चार्ज कर रहा था तो मैं फटाफट यहाँ पे ग्रेनेड चार्ज किया लेकिन उधर भी मारा था लेकिन उसका काम नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे एक को डाउन कर दिया। अब डाउन करते जल्दी से फ्लैश फेंका लेकिन जिसको मैंने डाउन किया मेरे को लगा भाई ये वाला सामने वाला प्लेयर डाउन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दूसरा प्लेयर है
जो कि भाई उसको हेडशॉट मार के इसको मैंने डाउन कर दिया। यहाँ पे दो प्लेयर डाउन हो चुका था, तो फटाफट मेडिकेट करता हूँ। अब मेडिकेट तो कर लेता हूँ, लेकिन जिसको मैंने डाउन किया था वो फटाफट रिवाइव हो जाता, उसको मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे को फिर से डाउन कर देता है। यहाँ पे एक तो मेरा किल होता है, लेकिन यहाँ पे भाई बहुत ही गलत सीन होता है, मेरा फ्रेंड सबको डाउन करते हैं, लेकिन एक प्लेयर बाकी रह जाता है। तो अभी तो फिलहाल के लिए मेरे को बचा लेते हैं, मतलब की डिमिट्री ऑन करके मेरे को बचा लेता है, एंड मेरा फ्रेंड एक डाउन होता है, और भाई मेरे को फिर से मारने का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ पे फाइनली मेरा बोया निकल जाता है। अब बोया होने के बाद यहाँ पे हमारा फाइनली 21 का स्टार हो जाता है, और जल्दी मेरा इलाइट हीरोइक लगने वाला है। अब इस वाले मैच में जो कि मेरे पास ग्रेनेड होता है, फर्स्ट राउंड होता है, जो बहुत ही मजा आने वाला है। मैं यहाँ पे होमर चार्ज करता हूँ, सामने वाला प्लेयर देखो एक दिख रहा था मेरे को, एंड आप लोगों को भी अचानक तीन दिखाई ग्रेनेड क्या रैंडमली, और तीनों लिटरली डाउन हो गया मेरे ग्रेनेड से, एंड इसको डाउन करके फटाफट जाता हूँ सामने, एंड जल्दी से फिनिश लेने वाला हूँ, एंड मेरे पास इसका स्किन है तो जल्दी से फिनिश भी हो जाता है। एंड अपना फ्रेंड रैंडम प्लेयर को बोलता है तो भाई मेरे को एक किल करना है, लेकिन मेरा फ्रेंड ने देखो सुना ही नहीं, एंड देखो कितना डैमेज दे रहा है, और भाई फाइनली उसको मार दिया, और हमारा क्वार्टर फिर से नहीं हो पाया। अब देखते देखते हमारा एक एक राउंड हो जाता है, एंड सामने प्लेयर सिंगल था और हम दो प्लेयर थे, लेकिन मेरे पास कोई गन नहीं है तो कोई ठीक नहीं है, और अचानक पीछे मेरे जंप कर जाता है जो कि भाई डैमेज तो दे रहा है, एंड फाइनली यहाँ पे फिर से ही मार दिया, और 2-1 का सिचुएशन हो जाता है। अब ये वाला राउंड हमारे लिए फाइनल राउंड होने वाला था, जो कि मेरा फ्रेंड को एक ने डाउन कर दिया, और रेंडमली मैं फिर से फायर किया भाई वो ग्रेनेड से, एंड यहाँ पे देखो दो प्लेयर को मैंने ले लिया। अब दो प्लेयर को मारने के बाद फटाफट मैं फ्लैश भी फेंका, लेकिन फ्लैश कोई काम का नहीं था, एंड देखो वहाँ पे रिवाइव हो रहा था प्लेयर, तो फटाफट मैं जाने वाला हूँ, एंड भाई डैमेज तो नहीं लगा बट मेरे को डाउन कर दिया, लेकिन डाउन तो कर दिया, मेरा सिंगल प्लेयर बाकी रह जाता है, एंड यहाँ पे 1v2 का सीजन होने वाला है। इसके बाद गेम पे है जो काफी डैमेज दिया, एंड भाई पहले मैं आया था तो शायद ये मैच निकल सकता था, अब आई डोंट नो निकले गए नहीं, तो अभी तो फाइनली ये को डाउन कर दिया। अब सामने प्लेयर है जो कि भाई ऊपर देख रहा था, और यहाँ पे फाइनली हमारे ये वाला मैच हो जाता है, एंड ये वाला मैच भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब कि ग्रेनेड होने के बावजूद भी मेरे यहाँ पे एमपीवी लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। अब इस वाले मैच में आप लोग देखना यहाँ पे जादू होता है, मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन ग्रेनेड का कुछ होता नहीं है, तीन प्लेयर उधर है, एक रिवाइव हो चुका था और एक डाउन था, तो ग्रेनेड तो करता हूँ जिसके कारण नहीं लगता, एंड फ्लैश फेंकता भाई रैंडमली, एंड फ्लैश से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं रैंडमली मार रहा अपना फ्रेंड को, लेकिन यहाँ पे डाउन हुआ, एंड देखते तो दो प्लेयर डाउन हो गया, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं था दो प्लेयर फ्लैश से भी डाउन हो सकता है, एंड वो किल भी मेरा हो गया। अब लास्ट प्लेयर बाकी रह गया था जो कि मेरे को अभी नहीं दिखा है, एंड बहुत ही मजा है, मतलब कि दो किल फ्री का मिल गया, देखते यहाँ पे मेरा फ्रेंड ने मार के 3-1 का सिचुएशन कर लेता। अब ये वाला मैच में मैं खेल ही नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, सामने प्लेयर कुछ ज्यादा ही अच्छे आ गए थे, यहाँ पे रैंडमली मैं ग्रेनेड को किया एंड फेंका, जैसे देखो यहाँ पे क्या कमाल होता है, एक प्लेयर आया उधर से और वो डाउन हो गया। अब डाउन होते ही मैं देखा भाई वही प्लेयर जो बहुत ही खतरनाक खेल रहा था, तो इसको मारने के बाद बस 3 प्लेयर बाकी रहता सामने का, जो फिलहाल के लिए तो मैं फिस्ट फाइट अभी करने वाला हूँ। अब देखते यहाँ पे देखो मेरा फ्रेंड ने दो प्लेयर को मार दिया, लास्ट प्लेयर बाकी रहता जो ढूंढ ही देते, मेरा होमवर्क चार्ज हो गया, उसके बाद तो वो ढूंढना ही है। एंड देखो यहाँ पे फटाफट मैं सामने जाता हूँ, मतलब पीछे बंदे थे फालतू में घर में वेट कर रहा था, एंड मेरा फ्रेंड ने मार के फाइनली यहाँ पे डाउन कर दिया, एंड मेरा रैंडम प्लेयर कितना ही साथ देता, किसी और ने डाउन किया और कोई और किल ले गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा तो किल नहीं था, और फाइनली ये वाला मैच हमारा बोया होता है, यहाँ पे 23 का स्टार भी हो जाता है। अब इस वाले मैच में यहाँ पे देखो कितना ही गलत सीन होता है, मेरा एक राउंड हो जाता है, सामने प्लेयर का एक राउंड हो जाता है, एक प्लेयर में रश करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मैं होमवर्क चार्ज किया एंड रैंडमली मैंने यहाँ पे ग्रेनेड किया, और फाइनली वो डाउन भी जाता है, हाँ होमर उस पे लगा था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे डाउन होने के बाद जल्दी से फिनिश लेने जाता हूँ, फटाफट फिनिश भी हो जाता है, फिनिश होने के बाद नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा फ्रेंड डाउन था, फिनिश भी हो गया, एंड यहाँ पे कितना गलत सीन होता है, मेरे को यहाँ पे डाउन करता है, अब डाउन तो करता है, लेकिन मेरा फ्रेंड ने फाइनली उसको मार के मेरे को रिवाइव दे देता, लेकिन भाई देखो यहाँ पे कितना ज्यादा गलत सीन होता है, मेरे को भाई मेरा देखो कितना कम हेल्थ है, एंड एक भी उसको शॉट नहीं लग रहा है वो जो फिस्ट फाइट से, एंड मैं अपना फ्रेंड को बचाना चाहा, लेकिन फिर से वो रश कर दिया, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मैं हार गया, एंड मेरी वजह से यहाँ पे एक राउंड पूरे हार गया था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया था, क्योंकि देखो 3 राउंड सामने वाले प्लेयर का हो गया था, एंड हमारा 2 ही था, एंड यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो गया था, एक को मैंने डाउन तो किया, लेकिन उसका एक फ्रेंड और था वहाँ पे, वो बचाने के लिए जा ही रहा था, एंड मैं गया भाई मेरे पास फिस्ट है आप लोगों को बताइए, एंड फिस्ट फाइट करने गया, बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाता है, मेरे को लगता भाई उसे मार दूंगा, एंड यहाँ पे वो एक भी शॉट नहीं लगता, पता नहीं फिस्ट फाइट में इतना नूब क्यों, एंड वो तो फाइनली मेरा फ्रेंड ने उसको मार के बचा लिया, लेकिन यहाँ पे बैड लक मेरा देखो कितना ही गलत सीन होता है, वहां से तो मैं बच गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को मार दिया कोई, एंड मैं तो मर गया, और मेरा फ्रेंड 3 बाकी है, और उधर 2 तो भाई मेरे को लगता है चलो मार देगा, लेकिन देखते थे मेरा फ्रेंड और एक डाउन हो जाता है, बस 2v2 का सिचुएशन हो जाता है, एंड मेरे को लगता है अभी भी चांस था गाइस निकलने का, क्योंकि मेरा फ्रेंड के पास था, बट अब चांस नहीं है, मेरा फ्रेंड एक डाउन हो गया, लास्ट प्लेयर बाकी रह गया, तो अभी तो फिलहाल के लिए इसके पास कवर नहीं है, एंड अब देखना यह क्या हमारा ये बोया निकल पाएगा या उसका निकलेगा जो की
भाई यहाँ पे काफी अच्छा खासा डैमेज तो दे रहा है, बट बहुत कम हेल्थ हो गया और एंड ये मर जाता है और हम यहाँ पे मैच हार जाते हैं। अब यहाँ तो मेरा माइनस बच जाता प्रोटेक्शन के कारण, लेकिन बहुत ही गलत सीन हो जाता है। मैं तो अपना कमाल दिखाया लेकिन मेरा फ्रेंड ने नहीं दिखा पाया था। अब ये वाला मैच बहुत ज्यादा टफ जा रहा था क्योंकि लगातार हम दो रन हार गए थे एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। यहाँ पे मैंने रैंडमली देखो ग्रेनेड को किया, मेरा होमवर्क चार्ज हुआ था, लेकिन अचानक देखो क्या होता है भाई, अचानक पूरा राउंड ही ले लेता हूँ। मतलब एक फ्रेंड ने मेरे डाउन किया था और मैं तीन डाउन करके फाइनली फिनिश ले लेता हूँ एंड ये राउंड बहुत ही जल्दी निकला था। आप लोग कभी ऐसे निकालो तो कमेंट में जरूर बताना। अब एक राउंड निकलने से कुछ फायदा नहीं होता है, यहाँ पे देखो कितना ही गलत होता है। एक टीम हो जाता सिचुएशन में मेरा फ्रेंड कुछ कर नहीं पा रहा था एंड मैं यहाँ पे बहुत ही मतलब तीन किल तो मैंने ही निकाला और मेरा फ्रेंड ने नहीं निकाल पाया। और देखते हो तो यहाँ पे नीचे प्लेयर थे एंड भाई कितना ही ज्यादा गलत सीन होता है। मेरा फ्रेंड में सोचता मेरा फ्रेंड के पास में हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कोई डैमेज दूंगा मेरा फ्रेंड मार देगा। देखो यहाँ पे मैंने डैमेज दिया बट उससे पहले मेरा फ्रेंड जो मेरे पास था वो पहले डाउन हो चुका था, वो मेरे को पता नहीं था एंड देखते तो मेरे को डाउन कर देता है। एंड देखते तो भाई सारा फ्रेंड मेरा डाउन होता है, लास्ट प्लेयर बाकी था एंड मेरे को थोड़ा सा चांस था क्योंकि वो अच्छा खेलता था, लेकिन यहाँ पे कौन पता था भाई वो ही मर सकता है। वो तो अभी रश कर रहा है फाइनली एंड मेरे को लगता है वो मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ही मर जाता है एंड ये वाला मैच हम लोग हार जाते हैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। ये तो मेरा प्लस होने वाला था लेकिन माइनस हो गया और इलाइट हिल तो नहीं लगा, बट हाँ ये बहुत ही मजा आया चैलेंज करने में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड नेक्स्ट चैलेंज क्या करो वो कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई दोस्तों जिसको वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हो उसके लिए थैंक यू। एंड आज की वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।